जान का भी खतरा है, ये तो मुझे जान से भी मर सकते। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बालाघाट जिले के वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी व डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्लारे ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर एक शिकायत की है, जहां शिकायत में उन्होंने रजगांव पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों पर जबरन प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर इस मामले की जांच की मांग की है। निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्लारे ने बताया कि 19 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे वह घर में सोए थे, उसी समय रजगांव चौकी से पुलिस की लाल बत्ती वाली बुलेरो वाहन से सिविल ड्रेस में 3 आरक्षक उमेश हरदे, नितिन बिसेन तथा प्रदीप चित्री और ड्राइवर प्रमोद कनोजे आए और घर में घुसकर तलाशी शुरू कर दी। जब उनसे तलाशी का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रजगांव में किसी व्यक्ति से गांजा पकड़ा गया है और उस व्यक्ति ने वाराणसी निवासी संजय जगने का नाम बताया है। जब संजय जगने से पूछताछ की गई तो उन्होंने मनोज लिल्हारे का नाम बताया, इसलिए हम यहां आए हैं और तलाशी की जा रही है, जबकि उनके पास कोई तलाशी वारंट भी नहीं था, बल्कि उन्होंने संजय जगने को साथ लाए थे, जबकि उक्त संजय जगने का कहना था कि उसे गांजा के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही उनके द्वारा मनोज लिल्लारे का नाम बतलाया गया है। मनोज लिल्लारे ने संदेह जाहिर किया कि विधानसभा क्षेत्र 112 वाराणसी खैलांजी क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा है, जहां राजनीतिक रंजिश बनाते हुए विरोधियों द्वारा उनके विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक झूठा मामला दर्ज कर जेल भेजने या हत्या करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि इसके पूर्व भी पुलिस ने जबरन पकड़कर व झूठा मामला बनाकर जेल भेज दिया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में शिकायतकर्ता ने उक्त मामले में तत्काल जांच कर दोषी आरक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में सशस्त्र नमन। मैं ग्राम पंचायत डोंगरमाली से सरपंच मनोज लिल्लारे। सर क्यों आना पड़ा आज यहाँ पर आपको? सर को मैं एक आवेदन देने आया था, ज्ञापन सौंपने आया था। आज माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग संबंधित 2-3 व्यक्ति कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपने। सर किस घटना के संबंध में? हमारे यहाँ 19 तारीख को लगभग 3 बजे करीबन एक घटना घटी थी कि कुछ रजेगांव चौकी के पुलिस वाले सिविल ड्रेस पे बिना सूचित किए रामपली थाने को हमारे घर पर आ रहे थे बिना वारंट के, और उन्होंने हमारे घर की जांच की, हमारे साथ बदतमीजी की, और बदतमीजी करने के बाद उन्होंने हमारे पे आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास गांजा पकड़ाया है, और उनका कहना ये है कि यह व्यक्ति आपका नाम ले रहा है, यह गांजा मैंने मनोज लिल्लारे के पास से खरीद करके ले गया है। तो हमने उनसे कहा कि चलो भाई ठीक है, जो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, जो व्यक्ति है, आप उनसे हमें मिलाइए, उनसे बात कराइए। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की हमारे साथ, उसके बाद भी हम उस व्यक्ति के पास तक पहुंच गए जो उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, जो शासकीय गाड़ी थी थाने की। जब जाकर के हमने उनसे मुलाकात करी और उनसे जब हमने बात करी, बात करने के बाद उस व्यक्ति ने, जब तक के वहाँ पे हमारे ग्राम के आजू बाजू के लोग भी एकत्र हो गए और साथ में मीडिया के जो हमारे भाई लोग हैं वो भी आ गए थे, सभी मीडिया के बंधु लोगों ने उनसे खुद क्वेश्चन किया कि भाई साहब आप ये बताइए मनोज लिल्लारे को जानते हैं क्या? तो उनने मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया कि मैं मनोज लिल्लारे को कहीं से कहीं तक ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और मनोज लिल्लारे से मेरा कोई संबंध नहीं है। और साथ ही वो जो आरक्षक उनके साथ में आए हुए थे उनका भी उन लोगों से भी बात करी, तो उन्होंने भी बताया कि बोलिए हम इनको लेकर के आ गए हैं, और मनोज भैया कि मनोज लिल्लारे के घर हम गए और जाकर के हमने जांच करी, उनके पास कोई आधार नहीं था जांच करने का, ना तो उनके पास किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई लेटर था और ना किसी वरिष्ठ अधिकारी को वो सूचित करके आए थे, और जिसको लेकर के आए थे उस व्यक्ति को स्वयं को मालूम नहीं था कि हम लेकर के इसको जा कहाँ रहे हैं। उस व्यक्ति ने स्वयं होकर के संजय जगने नाम का जो व्यक्ति उसने अपने से होकर के बताया कि भैया मुझे जानबूझ करके यहाँ लेकर के आया, और मनोज लिल्लारे के साथ मेरे कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, ये एक बनी बुनाई प्लानिंग है, बनी बुनाई साजिश है। क्योंकि इसमें प्रश्न एक ही जगह खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, जो सरेआम मीडिया के सामने, लोगों के सामने, 10,000 पब्लिक के सामने बता रहा है कि मैं मनोज लिल्लारे को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, वहीं पुलिस विभाग बता रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति आपका नाम ले रहा है, तो पुलिस विभाग के सामने नाम ले रहा है और मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहा? सर जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चारों ही पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, सम्मान्य एसपी महोदय द्वारा जो चारों पुलिस विभाग के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकारी मुझे आज ही लगी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन पर कार्रवाई हो गई है। क्या लगता है किसकी साजिश लग रही है? देखिए साजिश मेरे प्रशासन के साथ में तो कोई बैर है ही नहीं,
ये प्रशासन के साथ मेरा क्या बैर, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी जगह में अभी क्षेत्र क्रमांक 112 से हमने चुनाव लड़ा, जिसमें प्रशासन ने अपनी जगह अपने काम किया, हमने चुनाव प्रचार प्रसार में अपना काम किया। प्रशासन से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, कोई प्रशासन अपनी जगह वर्क करी भी, इसमें तो लेना देना किसको है। ये तो सीधे सीधे राजनीतिक प्लानिंग बनाई गई है, और ये आगामी बहुत बड़ी प्लानिंग बनाने वाले हैं मेरे लिए। चूँकि भैया आपके जो घटनाक्रम हुआ था, पुलिस ने उसमें कार्रवाई कर दी है, आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया है, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या और कोई आप मांग चाहते हैं इसमें, अभी जो आपने ज्ञापन दिया? नहीं, मैंने तो इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ कि इन्हें जो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मैं इसमें यही चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि वो जिस व्यक्ति को बना करके लाए थे, तो इसके पीछे प्लान किसका है, इसकी भी जानकारी ली जाए कि भाई इसके पीछे किसी ने तो प्लानिंग की होगी ना भाई, बिना प्लानिंग के तो काम हुआ नहीं है। तो प्लानिंग किसकी है, ये अंजाम दे रहा कौन है, प्लानिंग कर कौन रहा है, आने वाले समय में ऐसी कई प्लानिंग हो सकती है, इससे तो मुझे जान का भी खतरा है, ये तो मुझे जान से भी मार सकते हैं चलते फिरते। कब तक मैं 100-200 लोगों को लेकर के घूमता रहूँगा भाई अपने साथ, कहीं ना कहीं तो अकेले जाऊँगा। ये हो सकता है कि इनकी राजनीतिक प्लानिंग हो, बड़ा षड्यंत्र हो, बड़ा षड्यंत्र हो, आने वाले समय में ये कोई बढ़िया घटना को अंजाम दे दें मेरे लिए। किसी पर शंका डाउट है आपको? शंका डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, शंका डाउट तो सीधा ही दिख रहा है कि मैंने चुनाव मैदान में था, चुनाव मैदान में रहने के बाद मुझे किससे खतरा है, किससे नुकसान है, कौन मेरे साथ खिलाफ खड़ा हो सकता है, सारी चीज़ें तो मीडिया आप खुद समझ रहे, खुद जान रहे, पूरी जनता बोल रही, जनता जान रही, मैं अपना बोल करके। चूँकि आप निर्दलीय प्रत्याशी थे और दो क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशी थे, तो दोनों पे डाउट है या किसी अन्य क्षेत्र? मैं कुछ नहीं बोल सकता इस वजह में, कौन है ये तो अभी पुलिस का मामला है, पुलिस इसको जांच करे, जांच करके उस व्यक्ति को सामने लाए, सामने ला करके बताए उसको कि भाई ये आपका जो कृत्य है ये बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत ज़्यादा गंदा कृत्य है। भाई आज ये बताइए, चुनाव लड़ने की जो बात है तो चुनाव लड़ना अगर गलत हो तो पूरे जितने भी चुनाव मैदान में सभी गलत कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या किसी हाथी के हो, भाई सभी व्यक्ति गलत कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, जैसा मत देने का अधिकार होता है वैसे प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का भी अधिकार। हमने चुनाव लड़के अपने अधिकार का उपयोग किया है, अब उससे गलती अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो देखें भाई नुकसान होने वाले किसी। मैं इतना बार जानता हूँ कि इन लोगों को जिसको भी मेरे कारण नुकसान हुआ है, वो एक बात को तो इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से समझ ले कि भाई देख ले, अपने हिसाब में रहें, अपने हिसाब से काम करें, मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया है, मेरे अधिकार के उपयोग करने में आप बीच में किसी प्रकार की कोई प्लानिंग दोबारा ना बनाएं। ठीक, थैंक यू। ठीक, आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।